विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष पर बुधवार को विशाल शोभायात्रा सह रैली निकाली गई। शोभायात्रा सह रैली समय माता मंदिर बरखाड़िया से प्रारंभ होकर बाजपुर बनकटी सीताराम पुरवा चफरिया चौराहा होते हुए टपरा बाजार घूरे पुरवा चनखा पुरवा अयोध्या पुरवा बलिदान पुरवा चफरिया मदनिया आनंद नगर मौरहवा होते हुए समय माता मंदिर बरखड़िया पर समाप्त हुई। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना सुजौली की पुलिस टीम से उपनिरीक्षक शंकर सिंह कांस्टेबल अखिलेश चौहान कांस्टेबल अजय कांस्टेबल मनीष कुमार मुस्तैद रहे। सभी क्षेत्रवासियों को खंड से संचालक गिरिजापति त्रिपाठी व खंड से कार्यवाहक ने बताया। भारतीय कैलेंडर के मुताबिक नववर्ष का आगाज 1 जनवरी से नहीं बल्कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर आरंभ होता जो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अक्सर मार्च अप्रैल माह में आता। ज्योतिष गणना के मुताबिक हिंदू नववर्ष का पहला दिन जिस भी दिन पड़ता है पूरा साल उस ग्रह का स्वामित्व माना जाता। हिंदू नववर्ष पूजा पाठ के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण। हिंदू नववर्ष की जब शुरुआत होती तब चैत्र का महीना होता। चैत्र माह और हिंदू नववर्ष का पहला त्यौहार नवरात्रि पड़ता जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा की जाती। सुजौली से कृष्ण पांडे की रिपोर्ट दैनिक भास्कर। हमारे सभी साथियों को जय श्री राम जी। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी हिंदू पर्व है और नया साल मनाया जाता है हिंदुओं का, इसलिए हम लोग अपने पूरे हिंदू भाई को जागरूक कर रहे हैं कि राम चैत्र रामनवमी का हिंदू नववर्ष मनाया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। मौजूद है बड़खरिया के मोरोहा ग्राम में। हमारे साथ मौजूद है गिरिजापति त्रिपाठी जी जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के खंड सा संचालक हैं। जी त्रिपाठी, आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ? आज हमारे सनातन धर्म में जी जो नववर्ष होता है उसका कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोग कुछ रास्ते से अलग हो गए हैं। हम ईसा नववर्ष को और नववर्ष को मनाते हैं, अपने सनातन के नववर्ष को नहीं मनाते हैं। इसलिए जन जागरण किया जा रहा है ताकि हमारे सभी सनातनी भाई नववर्ष को ही मनावें। और हमारा नववर्ष इस तरह का होता है, देखने लायक होता है। फल में बौर आ गए हैं, सारे आम में, सारे जगह हरियाली हो गई है। और हम लोग जो नववर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं वो हम लोगों के लिए नहीं है। हम सनातनी के लिए यही नववर्ष है और ये हम लोग आज जगाने का प्रयास किए हैं कि इस तरह से हमारा सभी सनातनी नववर्ष इसी नव मतलब भारतीय नव पर्व यही है। 1 जनवरी को मनाने वाला अंग्रेजों द्वारा है। ईसा नववर्ष अंग्रेजों का है। मौजूद हैं बड़खरिया के मोरोहा में। हमारे साथ मौजूद हैं किशन साहनी जी जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के साखंड कार्यवाहक हैं। जी आज किस पर्व का उद्घाटन किया गया, क्या कार्यक्रम आज हुआ? आज नया वर्ष हम लोग मना रहे हैं जी। और हमारी विदेशी संस्कृति जो चल रही है, नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है जी। तो हम लोग हिंदुओं का नया वर्ष अब शुरू होता है, इसलिए हम लोग घूम घूम के पूरे क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा सही कहिए तो नव वर्ष हमारा अब प्रारंभ होता है, आज से नया वर्ष शुरू होता है जी। और इस समय प्रकृति भी नए परिवेश में परिवेश धारण की हुई है, हर कुछ नया दिख रहा है। तो सभी सनातन भाइयों से यही अपील है कि नया वर्ष हम लोग का अप्रैल में जो होता है उसी को धूमधाम से मनाया जाए, इसलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं जी। आज जागरूक करने का कार्य किया गया, जो नया साल मनाया जाता है सनातन धर्मियों द्वारा उन्हीं के द्वारा आज जागरूक किया गया जी। जी इसी जागरूक किया जा रहा है। इधर हम लोग सुजौली चफरिया बरखड़िया सब जगह हम लोग घूमे हैं, कई 4 ग्राम पंचायतों में घूमे हैं।